सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ Redmi 9 पावर डिवाइस के बारे में और आपको इंडिया में MIUI 12.5 प्लस Android 11 का जो अपडेट है वो Redmi 9 पावर डिवाइस के अंदर यहाँ पर कौन सी डेट को मिलने वाला है, कंफर्म वीक है वो यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। सो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, प्लस आप लोगों को बताऊंगा कि अपडेट साइज है वो यहाँ पर कितनी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि आपको अपडेट की जो साइज है वो 2 GB के ऊपर यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। सो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, प्लस आप लोगों को फीचर के बारे में यहाँ पर बताऊंगा। सो कंप्लीट इस वीडियो को देखते रहिए। अगर आप लोग एक Redmi 9 पावर डिवाइस के यूजर हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर देना, वरना आप लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है उसको यहाँ पर मिस कर जाओगे। और उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि जैसे अपडेट यहाँ पर रिलीज होगा इसके रिगार्डिंग आपको वीडियो सबसे पहले यहीं पे देखने को मिल जाएगी। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ Redmi 9T जो डिवाइस है जो कि आपको ग्लोबल में देखने को मिलता है, और यही डिवाइस आपको इंडिया में Redmi 9 पावर डिवाइस के नेम से यहाँ पर देखने को मिलता है। और Redmi 9T जो डिवाइस है इसके लिए आपको रिसेंटली MIUI 12.5 का जो अपडेट है वो यहाँ पर ग्लोबल में रिलीज करा दिया गया है, और इंडिया में भी आपको ये अपडेट है वो बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला है। सो इसकी कंफर्म डेट है इसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बता देता हूँ। सो बहुत सारे यूजर हैं उनके यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं कि हमारा जो डिवाइस है इसके अंदर ना ही तो हमको अपडेट मिला है, क्योंकि आपको पोको M2 Redmi 9 Prime जो डिवाइस है तीनों एक ही कैटेगरी के स्मार्टफोन है, लेकिन इन दोनों के अंदर अपडेट है वो यहाँ पर रिलीज करा दिया गया है Xiaomi की ओर से और पोको की ओर से, लेकिन आपको Redmi 9 पावर जो डिवाइस है इसके लिए कोई भी नया अपडेट है वो यहाँ पर नहीं मिला है, ना ही वो Android 11 का हो चाहे वो MIUI 12.5 का यहाँ पर अपडेट हो। सो आपको कंफर्म वीक है उसके बारे में यहाँ पर बता देता हूँ। ग्लोबल में अपडेट कोई भी यहाँ पर रिलीज हो जाता है उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको वो जो अपडेट है वो इंडिया में कंफर्मली यहाँ पर देखने को मिल जाता है, चाहे वो कोई भी यहाँ पर पोको का डिवाइस हो या फिर Xiaomi का डिवाइस हो। सो Redmi 9 पावर जो डिवाइस है इसके अंदर आपको अपडेट सेप्टेम्बर का जो फर्स्ट वीक है उसके अंदर आपको कंफर्मली यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग एक Redmi 9 पावर डिवाइस के यूजर है सो यहाँ पर वेट कीजिए, सेप्टेम्बर के फर्स्ट वीक का कंफर्मली आप लोगों को यहाँ पर अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा पायलट यूजर के लिए, और उसके 3 से 4 दिन बाद में नॉर्मल जो यूजर है पब्लिक रोल आउट है वो यहाँ पर कर दिया जाएगा Redmi की ओर से। और आपको इसकी अपडेट की साइज है वो यहाँ पर 2 GB से लेके 2.5 GB के बीच में यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सो यहाँ पर वेट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे यूजर है वो अपने सिम कार्ड से यहाँ पर डाटा पैक है उसको यहाँ पर यूज करते हैं। सो 2.1 GB का अपडेट एक साथ में यहाँ पर आ जाएगा, सो आप लोगों के लिए भी यहाँ पर मुश्किल होगी, क्योंकि पोको M2 और Redmi 9 Prime डिवाइस के जो यूजर है उनको यहाँ पर अपडेट 2.1 GB का यहाँ पर मिला था, काफी लोगों ने 1.5 GB तक कर लिया था, लेकिन अपडेट है वो यहाँ पर फिर से रोल बैक हो जाता है। और एक मेन बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अपडेट है वो आपको ओनली 1 hour के लिए यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने 1 hour के अंदर अपडेट को यहाँ पर स्टोर कर लिया होगा तब तो आपके डिवाइस के अंदर अपडेट यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, वरना वो अपडेट आपको 1 week के बाद में यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो आप लोग खुद यहाँ पर सोच सकते हो आपको कितना ज्यादा आप यहाँ पर एक्टिव रहने की जरूरत है, और हो सकता है ये जो अपडेट है वो आपको 3-4 दिन के अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाए। मैंने बस आपको एक कंफर्म डेट है वो यहाँ पर बताई है सेप्टेम्बर के फर्स्ट वीक के अंदर, और आपको एंड्रॉइड 11 प्लस MIUI 12.5 का अपडेट है कम्बाइंड एक ही अपडेट के साथ में मिलेगा, इसलिए आपको अपडेट की जो साइज है वो 2 GB के ऊपर यहाँ पर देखने को मिलती है। और दोस्तों ये जो अपडेट है जैसे यहाँ पर रिलीज होगा इसके रिगार्डिंग आपको वीडियो सबसे पहले यहीं पे देखने को मिल जाएगी। सो इसको सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम को अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया सो उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि किसी भी डिवाइस के लिए अपडेट यहाँ पर रिलीज होता है सबसे पहले आपको न्यूज है वो वहीं पे देखने को मिल जाती है। सो उसको ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में इतनी इन्फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पर शेयर करनी थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी सो वीडियो को लाइक करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।